नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में हिमाचल के किन्नौर में बनने वाला आटे का हलवा बनाने जा रहे हैं, जो नाश्ते में बहुत खाया जाता है। हलवे में लगने वाली सामग्री है एक कटोरी आटा, कद्दूकस किया हुआ, गुड़ आधी कटोरी, एक छोटी कटोरी देसी घी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा गिलास हल्का गरम दूध, आधे से भी थोड़ा कम कटोरी गरम पानी। जब तक हम आटे को भूनेंगे, उससे पहले हम गरम पानी को गुड़ में डाल के भिगोने रख देते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन कर दिया है, पैन रख दिया है। अब उसमें हमने देसी घी डाल देंगे। ये थोड़ा घी हमने इसलिए बचा लिया है क्योंकि हमने इसको बाद में डालना है। आंच को तेज करना है। घी गरम हो चुका है, इसको ज्यादा गर्म नहीं करेंगे नहीं तो घी जल जाएगा। आंच को हमने कम कर देना है। आटा डाल देंगे। आटे को लगातार चलाते हुए हमने तब तक भूनना है जब तक कि आटे का रंग बदल नहीं जाता और घी आटा छोड़ नहीं देता। और आंच को बिल्कुल कम ही रखना है क्योंकि कम आंच में भूना हुआ आटा अच्छे से पक भी जाता है और हलवा भी टेस्टी बनता है। आटा गूंद चुका है, आटे का रंग भी बदल गया है और आटे ने घी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हमने अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन के साथ हमने इसको आधा मिनट और गूंदना है। आधा मिनट हो चुका है। अब इसमें हमने पहले गुड़ वाला पानी मिलाएंगे। गुड़ वाले पानी को भी धीरे धीरे डालते हुए हमने मिलाना है, इससे हलवे में गांठें ना बने। आंच को तेज कर देंगे।
बाकी हमने दूध भी डाल देंगे। अब हमने बाकी घी भी डाल देंगे और इसको हमने पूरे हलवे को पूरी तरह से सुखा देना है। पानी और दूध पूरी तरह से सूख चुका है। खिला खिला किनोरी आटे का हलवा बनके तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हमने आटे को के हलवे को हमने सर्व करना है। हिमाचल के किन्नौर में बनाए जाने वाला आटे का हलवा बनके तैयार है। इसे वहां पर पराठा या फुलके के साथ यानी रोटी के साथ खाया जाता है। इसे आप घर पे जरूर बनाएं, आपको जरूर ये हलवा पसंद आएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।